आइए आज हम बात करते हैं ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास बारह मासी के बारे में। ज्ञान चतुर्वेदी जी का बहुत संक्षिप्त जीवन परिचय मैं आपको बता दूं कि पद्मश्री ज्ञान चतुर्वेदी जी, उनका जन्म मऊरानीपुर झांसी में हुआ था 2 अगस्त 1952 को, और वो मध्य प्रदेश के ख्याति लब्ध हृदय रोग विशेषज्ञ भी हैं। उन्होंने अपने चिकित्सा क्षेत्र में भी बहुत सारे स्वर्ण पदक प्राप्त किए, और BHEL मध्य प्रदेश में वो उनके संस्थान में चिकित्सक के रूप में कई वर्षों तक सेवारत रहे, और शीर्ष पद से ही वहां से वो सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने अपने लेखन की शुरुआत जो थी वो 70 के दशक के आसपास धर्मयुग से कर दी थी, लेकिन वो बहुत चर्चित हुए अपने पहले ही उपन्यास से जो नरक यात्रा शीर्षक से प्रकाशित हुआ। नरक यात्रा वास्तव में जो उनका पेशा है चिकित्सा, उसी के जुड़े हुए एक कथा थी, व्यंग था, और वो बहुत चर्चित रहा क्योंकि भारतीय चिकित्सा, भारतीय चिकित्सकीय शिक्षा, इन सब पर एक व्यंग था। उसके बाद उन्होंने बारह मासी लिखी, ये बारह मासी भी जो 1999 में प्रकाशित हुआ था, और ये भी बहुत ज्यादा लोगों के बीच लोकप्रिय रहा। फिर उन्होंने एक उपन्यास लिखा था मरीचिका और हम न मरब। इनके ये जितने भी उपन्यास हैं ये सारे व्यंग उपन्यास हैं, जो कि हम इनसे पहले कई व्यंगकार हम देखते हैं, हरिशंकर परसाई, कृष्णचंदर, और उसके बाद में शरद जोशी, और श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी का इनके लेखन पे बहुत प्रभाव दिखता है, लेकिन उसके बावजूद बहुत स्वतंत्र रूप से नए तरीके से इन्होंने अपने उपन्यासों में लिखा है। स्वयं ज्ञान चतुर्वेदी एक जगह कहते हैं कि व्यंग उपन्यास लिखना बहुत कठिन है, क्योंकि हर पंक्ति पर व्यंग को रखना, प्रारंभ से अंत तक हर बात पे, ऐसी बात जिस पे हमें रोना चाहिए उस बात पे पाठक को हंसने के लिए मजबूर करना एक बड़ा दुष्कर कार्य है, और उसी परंपरा में इन्होंने ये बारह मासी उपन्यास लिखा है। वैसे ये लगभग 10 वर्षों तक इंडिया टुडे में कॉलम लिखते रहे, नया ज्ञानोदय में नियमित इनका स्तंभ प्रकाशित होते रहा, राजस्थान पत्रिका, लोकमत समाचार, इन सब में भी व्यंग स्तंभ लेखन इनका निरंतर चलता रहा, और अभी तक तकरीबन 1000 व्यंग रचनाओं का इन्होंने प्रकाशन कर लिया। प्रेत कथा, दंगे में मुर्गा, मेरी 51 व्यंग रचनाएं, बिसात बिछी है, खामोश, नंगे हमाम में है, प्रत्यंचा, बारा खड़ी, ये सब इनके व्यंग संग्रह है। जैसा कि मैंने बताया, इन्हें 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ, और इसके अलावा अकादमी सम्मान इनको दिल्ली से प्रदान किया गया, अंतर्राष्ट्रीय इंदु शर्मा कथा सम्मान, चकल्लस पुरस्कार, ऐसे कई विशिष्ट पुरस्कारों से इनको नवाजा गया, और ये वर्तमान में भोपाल मध्य प्रदेश में ही रहते हैं। तो ज्ञान चतुर्वेदी द्वारा रचित ये जो उपन्यास है बारह मासी, इसका जो शीर्षक है उसी से हमको पता चलता है कि ऐसे फूल या ऐसे पौधे जो 12 महीने खिले उन्हें बारह मासी कहा जाता है। गांव पर आधारित है अलीपुरा, और जहां पर ये गांव भारत के किसी अन्य गांव से अलग नहीं है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इस गांव से तो आप भी गुजर चुके हैं, अगर आपने कभी किसी भी गांव में 10 दिन भी बिताए होंगे तो आप इससे बहुत अच्छे से अपने आप को जोड़ पाएंगे। तो एक गांव के किसी मध्यम वर्गीय परिवार में किस तरह से लोग सपने देखते हैं, उनके सपने टूटते हैं, कुछ सपने साकार भी होते हैं तो वो कुछ ज्यादा परिवर्तन उनकी जिंदगी में नहीं करते, इस पूरी कथा को बहुत सुंदर तरीके से इसमें इन्होंने प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक का जो कलेवर है, देखिए संक्षिप्त में, कि बुंदेलखंड में जो भी बढ़िया लाठी चला सकता था, अंधेरे उजाले में अपने बैरी पर पिस्तौल, बंदूक, बल्लम, छुरे से वार कर सकता था, तथा किसी भी अफसर से अबे तबे करके अगर उसका पानी उतार सकता था, तो वो आम जन की दृष्टि में अत्यंत सम्मान और ईर्ष्या का पात्र था। कि उस गांव के लोगों के सपने किसके इर्द गिर्द, उनके हिसाब से सम्मान पात्र व्यक्ति कौन था वो जो ये सब कर सके, और हर
आम व्यक्ति उस क्षेत्र का यही बनने का प्रयास करता था। तो इस उपन्यास में एक मध्यम वर्गीय जीवन का संपूर्ण दस्तावेजीकरण किया गया है और यहाँ पर जो स्थल है, जो गांव है, उसके पूरे परिवेश का इतना सुंदर चित्रण उन्होंने किया है। सुंदर चित्रण नहीं, सटीक चित्रण, सही चित्रण, व्यंगात्मक चित्रण। कहीं पर भी गांव का वो सौंदर्य नहीं है जो हम फिल्मों में देखते हैं, बल्कि उस तरह से बजबजाती नालियां, भिनभिनाती मक्खियां, खूब ढेर सारे बच्चे जो जिनकी परवरिश को लेकर माता पिता उतने चिंतित नहीं हैं, या चिंतित हैं तो भी वो उनके पास इतना समय नहीं है, या वो इस तरह से दूरदृष्टि नहीं है। उनके सबके सपने तो हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बन जाए और उनका भविष्य संवर जाए, परंतु उस स्वप्न को साकार कैसे करें, वो माध्यम कैसे बने, वो उनके पास वो विजन नहीं है। अलीपुरा गाँव है और इसका जिला झांसी उत्तर प्रदेश दिखाया गया है। और ये एक गांव का दृश्य है और ये कहानी जो है वो मूल रूप से इसी गांव के में शुरू होती है, जहां पर एक जिज्जी रहती हैं। जिज्जी इसलिए कहा गया क्योंकि ये कहानी में सबसे पहले ही पात्र जो आते हैं वो जिज्जी के भाई हैं और जो बच्चों के मामा हैं। तो मामा क्योंकि इनको जिज्जी कह रहे हैं, इसलिए ये जिज्जी, उनके चार बेटे और एक बेटी की कथा है, यही इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। जिज्जी जिनकी शादी 12 वर्ष में हुई थी और जो 22 वर्ष में विधवा हो गई, जिनके पति कवि थे, और जो जब 10 वर्ष के विवाह के पश्चात जब उनका निधन हुआ तो इनकी गोद में चार बच्चे गोद में और एक इनके गर्भ में इनकी एक बेटी बिन्नू, वो छोड़कर इस दुनिया से चले गए। और उसके बाद से निरंतर जिज्जी का जीवन संघर्ष में रहा। जिज्जी संघर्ष को इस तरह से इस कारण काटती रही, इस कारण संघर्ष में भी हारी नहीं, क्योंकि उनकी आंखों में एक सपना था। देखिए ये जो पहला ही जो चैप्टर इन्होंने है भाग, उसका शीर्षक है सपने देखने वाले, कि इस गांव में जितने भी लोग हैं सबकी आंखों में कोई सपना है और यही सपना इनको जिंदा रखा। इतनी जिज्जीविषा के पीछे इनके स्वप्न भी हैं, स्वप्न ही हैं। जिज्जी भी अपने इन चारों बच्चों को एक अच्छी नौकरी, और क्योंकि इनके पति कवि थे तो वो चाहती थी उनका कोई ना कोई एक बच्चा कवि बने और इनके पति की जो पुस्तकालय है छोटी सी उसमें पढ़ें लिखें और साहित्य के प्रति उनकी रुचि हो, ये सपना लेती है आंखों में इनके रहता। जो सबसे छोटी बच्ची है जिसका नाम जो है बिन्नू है, बिन्नू का विवाह इस घर का सबसे बड़ा सपना है कि बिन्नू का विवाह अच्छी तरह हो जाए। पहला ही दृश्य है कि जो इनके मामा हैं वो लल्लन मामा जी, जिनको कहा गया कि लल्लन मामा जी क्योंकि रेलवे में नौकरी करते, देखिए ये यहां से ही व्यंग शुरू है कि लल्लन मामा जी क्योंकि रेलवे में नौकरी करके रिटायर हो गए हैं तो वो रेलवे को अपनी निजी संपत्ति समझते हैं और कहीं से कहीं तक की भी यात्रा बिना टिकट के पूरे अधिकार के साथ करते हैं और इसीलिए लल्लन मामा सबसे ज्यादा घुमक्कड़ हैं। और लल्लन मामा का मुख्य शगल है विवाह करवाना, मैच मेकिंग करना उनका मुख्य शगल है और वो अपनी भांजी का विवाह करवाने के लिए आए हैं, बिन्नू के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। बिन्नू अभी बहुत बड़ी नहीं हुई है और पढ़ाई ही कर रही हैं, लेकिन जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे लड़के से उनका विवाह हो जाए इसलिए वे रिश्ते लाते हैं। और जो रिश्ता जिनको लाए हैं वो लोग टांगे से जब इस गली में आते हैं तो गली का दृश्य है कैसे टांगे से उबड़ खाबड़ हिचकोले खाते हुए वे पहुंचते हैं। टांगे का भी चित्रण है कि टांगे में किस तरह से खीले निकले हुए हैं, जो घोड़ा है वो मरियल सा है, उसको अच्छा खाने को नहीं मिलता है, दिन भर में एक ही ट्रेन आती है मानिकपुर पैसेंजर, उसी से लोग आते जाते हैं। और इस पूरे चित्र को चित्र खींचना सुंदर तरीके से, आप देखिए जब आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो एक एक पात्र, एक एक गली, एक एक छत आपके आंखों के सामने आ जाएगा, ये मेरा दावा है। इतना सुंदर चित्रण यहाँ पर ज्ञान चतुर्वेदी जी करते हैं। तो
बिन्नू जो हैं आज क्योंकि उनको देखने आने वाले हैं, बिन्नू बड़ा सज रही हैं, सवर रही हैं। बिन्नू ने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी है, क्रीम पाउडर लगाया है। माँ के पास एक अंधेरी कोठरी है जहां पर माँ अपने पूरे पैसे रखती हैं, जो कि बहुत लिमिटेड है क्योंकि उसके बाद इस घर में कोई आय हुई ही नहीं। तो माँ लगभग हर बार जब कोई लड़का वाला देखने आता है तो माँ को अपनी एक बिछिया बेचनी पड़ जाती है। इनके जो चार भाई हैं, बड़ा भाई है गुच्चन जो कि बहुत ज्यादा पूजा पाठ में लगा रहता है और उस पूजा पाठ के कारण धीरे धीरे उसे अपनी समस्याओं का जब कहीं पे व्यवहारिक समाधान नहीं दिखता तो वो केवल देवी श्रोत करता हुआ, मंत्रोच्चार करता हुआ घंटों घंटों वो उपासना करता है। उसने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली है और उसे ये लगता है कि उसकी जितनी भी समस्याएं हैं वो ईश्वर की आराधना से ही सुलझेंगी। इसलिए गुच्चन जो है, जो सबसे बड़े भाई हैं, वो पूजा पाठ में लगे रहते हैं। तो जो दूसरे नंबर के भाई हैं छुट्टन, ये छुट्टन जो है बड़े स्वार्थी हैं और बड़े व्यवहारिक हैं और छुट्टन को बस एक ही सपना है कि वो इंटर पास कर लें और कैसे तैसे नौकरी में लग जाएं। छुट्टन जो है वो अपने लिए एक लड़की भी देखते हैं और उस लड़की के साथ में कुछ मिलना जुलना चिट्ठी पत्री भी करते हैं। बिन्नो वो लड़की है और जब तक उनका कहीं कुछ नौकरी चाकरी परमानेंट नहीं लग जाती, विवाह नहीं हो जाता, वो बिन्नो ही उनका समय काटने का एक बड़ा जरिया है। इसके अलावा जो तीसरे नंबर के इनके भाई हैं जो हैं कि चंदू जिनको कहा गया है, और चंदू जो हैं वही इकलौते एक पात्र दिखते हैं मुझे इस पूरे उपन्यास में, जो हालांकि वो भी बहुत स्वार्थी हैं, हालांकि वो उन्हें कभी उन्होंने अपने अलावा किसी को ऊपर उठाने का सोचा नहीं, फिर भी चंदू एक ऐसे पात्र हैं जो इस पूरे दलदल से बाहर निकलते हैं। चंदू बहुत पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते करते वो डॉक्टर बन जाते हैं और डॉक्टर बनने के बाद वो एक डॉक्टर लड़की से ही विवाह करके और एक अच्छी खासी एक गृहस्थी बसाकर अलग हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक बुरी चीज जो चंदू के निकल के आती कि चंदू उस अपने घर में किसी का सहयोग नहीं करते। चंदू को माँ ने, क्योंकि वो अकेले लड़के थे जो धन तन मन धन से पढ़ाई कर रहे थे, तो माँ ने जहां से भी हो जैसे भी हो उनके पढ़ने की व्यवस्था की, कभी उनके अध्ययन में कोई विघ्न नहीं डाला, उनसे घर का कोई काम नहीं करवाया गया, उनसे उन्हें बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट मिला। और यही मुझे लगता है यही रीजन है कि बहुत विशिष्ट वो स्वयं को महसूस करने लगे और इन सामान्य लोगों के बीच जाकर उन्होंने किसी किस्म का कोई सुधार करने का बीड़ा नहीं उठाया। और यही कारण है कि जो लोग गांव से बाहर निकल जाते हैं और कुछ बन जाते हैं वो वापस गांव में लौट कर नहीं जाते, जिससे पूरे गांव को कोई एक आदर्श व्यक्ति हमें मिलता नहीं। ये एक नकारात्मक ही उदाहरण बने चंदू की, क्योंकि उन्होंने किसी की कोई सहायता नहीं की। ये तीसरे पात्र है जो है वो है लल्ला। लल्ला जो है वो दंड बैठक लगाते हैं, शरीर बनाते हैं, अपने शरीर को निहारते रहते हैं, खूब सारा चना खाते हैं और पहले तो वो माँ के पैसों की बहुत इज्जत करते हैं, परंतु बाद में वो हक से पैसे मांगते हैं और उन्हें लगता है पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं धरा, कसरत करके शरीर बना के गुंडागर्दी करके वो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। वो रोज रोज नए नए सपने देखते हैं, कभी वो ईंट का भट्टा डालना चाहते हैं, कभी कोई और काम करना चाहते हैं और अपने मित्र के साथ मिलकर वो देसी कट्टा चलाना सीखते हैं जंगल में जा जाकर। तो ये लल्ला चौथे पात्र हैं। तो सबसे पहले ही दृश्य में बिन्नू को देखने वाले आते हैं और फिर किसी भी कारण से वो मना करके चले जाते हैं। कहानी चारों पात्रों का सपना क्या है, पांचों पात्रों का स्वप्न क्या है, कैसे वो उसी में फंस गए हैं, 5 साल बाद भी इनमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, जो जहां है वो वहीं पर फंस गया है। न बिन्नू की शादी हो रही है, न छुट्टन की नौकरी लग रही है, न गुच्चन इंटर पास कर पा रहे हैं और न लल्ला अपना कोई धंधा जमा पा रहे हैं। चंदू हैं जो पढ़ते जा रहे हैं और चंदू बीएससी कर रहे हैं और फिर चंदू का डॉक्टरी में एडमिशन हो गया है, लेकिन चंदू इस बीच अपनी निजी जो जरूरतें हैं उनको भी पूरा कर रहे हैं और चंदू कोई उच्च चरित्र व्यक्ति नहीं है, वो भी अपने वो सारे काम करते हैं जो इनके भाई बाहर करते हैं
वो अपने पुस्तक वाले कमरे में बैठकर अपने मन से जो भी गलत सही विचार इनके मन में आते हैं वो सब ये सोचते हैं। तो इस तरह से ये कहीं पर भी सच्चरित्रता नहीं है। उसके बाद जो जिज्जी हैं, माँ है, वो धीरे 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 करके उनके पैसे निकलते जा रहे हैं, कोई स्वप्न साकार नहीं हो रहा। अचानक जो मामा जी हैं वो गुच्चन के विवाह के लिए एक प्रस्ताव लाते हैं, बहुत बड़े घर की लड़की से गुच्चन के न चाहते हुए भी बाद में समझा बुझा कर उनका विवाह कर दिया जाता है। लड़की का नाम शीला है, लेकिन वो लड़की और गुच्चन के बीच भी कुछ खास अच्छे रिश्ते नहीं है। एक बात जो बार बार इसमें व्यंग के तौर पर इन्होंने रखी है आदरणीय ज्ञान चतुर्वेदी जी ने, वो ये है कि स्त्रियों को यहाँ पे बहुत ज्यादा सम्मान नहीं है, न स्त्रियों के लिए कोई भविष्य है, केवल पति की इच्छा अनुसार कर्म करना, पति से दो चार बार पिटाई पड़ना और उससे कोई निर्णय लेने के लिए उसे अवसर न देना, बस यही इसमें दिखाया गया। हालांकि ये लेखक के निजी विचार नहीं है, लेकिन ये ग्रामीण परिवेश में कैसे लोगों का सोचना है ये यहाँ पर लेखक बता रहे हैं। गुच्चन बार बार सन्यासी बनने के लिए घर से भाग भी जाते, फिर उनको पकड़कर लाया जाता है, और फिर अंत क्या है वो मैं बताऊंगी नहीं, आप पढ़िएगा जरूर, पढ़ने से आपको समझ आएगा कि अंत में भी गुच्चन कोई बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं है। उसके बाद जो छुट्टन है, छुट्टन तो बहुत राजनीति के चक्कर में पड़ के जैसे तैसे पैसे देकर इंटर पास करते हैं, अपनी सरकारी नौकरी लगवाते हैं, बहुत दहेज का मोलभाव करके शादी करते हैं। जिस बिन्नो से उन्हें प्रेम था वो प्रेम केवल शारीरिक था, जब बिन्नो चली गई तो उनके मन में जरा भी दुख नहीं हुआ। चंदू जो थे वो अपने माता और भाई से ही लड़ते थे कि मेरे हिस्से का पैसा मुझे दे दो। लल्ला जो है, लल्ला की विवाह तो अच्छी जगह पे हो जाता है, लेकिन लल्ला चंदू की तरह डॉक्टर ना बनके अपने ससुर जी की तरह एक झोला छाप डॉक्टर बनते हैं। थोड़ी मोड़ी उनकी दुकान जम भी जाती है, लेकिन उनके परम मित्र फिरंगी की प्रेरणा से वो एक लड़का जो कि उनका पड़ोसी है और उसने उनकी बहन पर बुरी नजर डाली, उसके मर्डर को अपने जीवन का चरम उद्देश्य बनाते हैं। कुल मिला के कहानी बड़ी रोचक होती जाती है और अंत में बड़ा दुखांत भी है। आप जब देखेंगे कल्पना से परे जाकर ये सभी पात्र कहाँ उलझ जाते हैं। बिन्नो का विवाह फिर होता है तो कई वर्षों के बाद जब बिन्नो के आधे बाल पक चुके हैं और जब वो अपने घर वालों के लिए एक जिम्मेदारी की बजाय एक बोझ बन चुकी हैं, तब होता भी है तो वो दुजहा विवाह होता है, अर्थात वो अपने पति की दूसरी पत्नी बनकर जाती हैं। उस और वो पति भी देखने में भी अच्छा नहीं है, गुण रूप में भी अच्छा नहीं है, दहेज भी बहुत मांगता है और विवाह के पश्चात भी बिन्नो उसके साथ खुश नहीं है। तो ये एक तरह का कुचक्र है, जिस कुचक्र में फंसने के बावजूद कोई व्यक्ति निराश नहीं है, कोई व्यक्ति हताश नहीं है, बल्कि उसी कुचक्र में वो एक छोटे छोटे सपने देख रहे हैं, छोटे छोटे सपनों में जी रहे हैं। आखिरी में उनको लगता है कि अभी भी दिन फिरेंगे और उन सब के चारों भाइयों के बच्चों के बाद घर और बीवियों के बाद वो घर एक कलह की जगह, लड़ाई झगड़ा की जगह बन जाता है। बच्चे केवल दिन भर उधम मचा रहे हैं। और जो उपन्यास का प्रारंभ होता है कि दिलीप कुमार का एक पोस्टर लगा हुआ है, फिर दिलीप कुमार का पोस्टर हटा के धर्मेंद्र का पोस्टर आशा पारेख के साथ चस्पा कर दिया गया है, यहाँ से शुरू होता है। और जो अंत है वो इस तरह से है कि जिज्जी का जो पोता है, बड़ा पोता उदय, वो धर्मेंद्र के पोस्टर को निकालकर अमिताभ बच्चन के पोस्टर को चस्पा कर रहा है। उसके लिए अब एक नया सपना है और जिज्जी को भी ये विश्वास है कि जो उनके बेटे नहीं कर पाए वो उनके पोते पोतियां करेंगे। इस तरह से सुखांत तो नहीं है, लेकिन अंत में भी सपने खत्म नहीं हुए, छोटे छोटे सपने जिंदा हैं और उन्हीं छोटे छोटे सपनों में बारामासी की तरह उम्मीदें जिंदा हैं। ये ज्ञान चतुर्वेदी जी के उपन्यास का कथ्य है। तो बारामासी जो है वो बुंदेलखंड के छोटे कस्बे, छोटे से आंगन में पल रहे छोटे छोटे सपनों की कथा है। ये स्वप्न
जो टूटने के लिए ही देखे जाते हैं और टूटने के बाद और बावजूद भी देखे जाते हैं। स्वप्न देखने की अजीब उत्कंठा और उन्हें साकार करने के प्रति धुंधली सोच और फिर उन्हीं स्वप्नों को देखते जाने का हट कथा न केवल इसके आसपास घूमती है और मानवीय संबंधों, पारंपरिक शादी ब्याह की रस्मों, सड़क छाप कस्बाई प्यार, भारतीय कस्बों की शिक्षा पद्धति, बेरोजगारी, माँ बच्चों के बीच के स्नेहिल पल और भारतीय मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन व्यापार को उसके संपूर्ण कलेवर में उसकी समस्त विडंबनाओं विसंगतियों के साथ पकड़ती है। साथ ही बुंदेलखंडी परिवेश के श्वास श्वास में स्पंदित होते सहज हास्य व्यंग को भी समेटती चलती है। इसमें जो है वो कई छोटे छोटे दृश्य हैं, जैसे कि रेलवे के सफर के बारे में बताया गया है, रेलवे स्टेशन में सवारियों की जो घबराहट है उसका बहुत अच्छा विश्लेषण किया गया है। बिन्नू के की जब शादी होती है तो बार बार उसका भाई कट्टा निकाल लेता है, किस तरह से बराती जब तक फेरे नहीं पड़ते तब तक बरातियों का तांडव चलता रहता है, मांगे चलती रहती है, और जब फेरे पड़ जाते हैं तो घराती उन पर चढ़ जाते हैं। ये पूरा दृश्य बड़े रोचक तरीके से और सच्ची घटनाओं के आधार पर वो उसे बनाया गया है। जो किस्सा गोई है लेखक की वो बहुत शानदार, बहुत ही ज्यादा शानदार है, जिसमें यथार्थ भी है और व्यंग भी है। तो पूरा जो शैली है वो एक पिक्चर देख रहे हैं आप, इस किस्म की है। किस तरह से साधुओं के बारे में, किस तरह से जैसे इनका बड़ा भाई जो साधु बनना चाहता है वो वहां पर किस तरह से लोग गांजा पीते हैं, वो दृश्य को भी बड़ा सुंदर तरीके से दिखाया गया है। और हर बार अलीपुरा की गर्मी का चित्रण, जो कि भारत में बहुत बड़ी समस्या है गर्मी, उसके साथ शुरू होती है, तो वो हमें साथ में लेती हुई चलती है कथा। और बुंदेलखंड के कस्बों के चित्र, अब इसमें देखिए शिक्षा पद्धति पर भी व्यंग है कि कैसे कई लोग डिग्री तो चाह रहे पर पढ़ना नहीं चाह रहे। चारों लड़कों में से तीन लड़के, और बिन्नू तो खैर पढ़ लिख लेती हैं लेकिन बिन्नू पढ़ नहीं पाती क्योंकि उनके पास घर के इतने काम होते हैं, तो इस तरह से लोग इंटर तक नहीं पास कर पा रहे, कॉलेज में पास नहीं हो पा रहे नकल के बारे में, और खुद छुट्टन बाद में एक शिक्षक बन जाते हैं और वो अपने हेडमास्टर को धमकाते हैं कि उन्हें कभी भी पढ़ाने न कहा जाए। तो ये शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सुंदर व्यंग इन्होंने किया। लेखक लिखते हैं कि उनकी जीवन संगिनी को ये विश्वास है कि उन्हें कभी न कभी ज्ञानपीठ अवश्य मिलेगा, और मुझे भी यह विश्वास हो चला है इसको पढ़ के कि अवश्य उन्हें यह मिलेगा। तो अब हम देखते हैं इस उपन्यास के, ये तो कथानक पे हमने थोड़ी चर्चा की, इसकी जो भाषा है बहुत कस्बाई भाषा है। लड़के आपस में किस तरह से बात करते हैं, गालियों का प्रयोग करते हैं, बेते में बात करते हैं, उस तरह की भाषा है। माएं किस तरह से बात करते हुए हिम्मत रखती हैं, रुदन आकर भी रो नहीं सकती, उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं। पत्नियां किस तरह से एक दूसरे से कहना चाहिए, देवरानी जेठानियों का जो जिस तरह का हंसी मजाक चूहल, कैसे कभी कभी दो देवरानियां एक हो जाती हैं एक जेठानी के खिलाफ, तो उनके बीच अंदर ही घूंघट काढ़ कर भी किस तरह से वो सामने वाले को अपने, जैसे गुच्चन को देखकर उसकी भाई बहुएं जो हैं वो घूंघट तो काढ़ लेती थी लेकिन व्यंग करने का कटाक्ष करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। गांव के बुजुर्ग छोटे बच्चों से कैसे बात करते हैं, ये वाला दृश्य भी है। लोग जब टांगा वाला आता है तो टांगे वाले से भी लोग बात कर रहे हैं क्योंकि उनके पास समय काटने के लिए कुछ है ही नहीं। इसमें लेखक बार बार कह रहे हैं कि वो दिन भर या तो बीड़ी पी रहे हैं या तो ताश खेल रहे हैं या इधर उधर की गप हाँक रहे हैं, या जहां तक अगर उन्हें कहीं कोई लड़की दिख जा रही, कोई औरत दिख जा रही है तो उसे देख रहे हैं, और जब इसके बाद भी समय नहीं कट रहा तो वो रेलवे स्टेशन जाकर ट्रेन देख रहे हैं। तो गांव में किसी के पास कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है, ज्यादा काम नहीं है, ये इस तरह की
ठलहा खाले बैठकर जो उनके विचार हैं उसको इसमें चित्रित किया गया। भाषा बुंदेलखंड की गांव की कस्बाई भाषा है, बहुत प्रवाहमयी भाषा है, बहुत लच्छेदार भाषा है। बात बात में मामा जी जो है वो कहानियां सुनाने लगते हैं और उस कहानी से कोई सीख देना चाहते हैं। ये भी हमारे कस्बों की विशेषता है कि जहाँ पे बड़े बुजुर्ग किसी बात को समझाने के लिए मुहावरों, लोकोक्तियों और लोक कथाओं का सहारा लेते हैं। इसमें ज्ञान चतुर्वेदी जी ने 3 से 4 लोक कथाएं डाली हैं मामा जी के माध्यम से। तो ये इनकी भाषा बहुत प्रवाहमयी, सरल, सुंदर और बिल्कुल इस उपन्यास के अनुरूप है। इसका जो वातावरण है वो मैंने बताया कि गांव में छत में रात को सोते समय किस तरह छत में कई बाल्टियों पानी डाला जाता है फिर भी गर्मी कम नहीं होती है, उमस कितनी ज्यादा है, किस तरह से जब किसी की शादी हो रही होती है तो पूरा गांव, जिसे निमंत्रित किया गया वो भी, जिसे निमंत्रित नहीं किया गया वो भी इकट्ठा हो जाता है। इस तरह से उस गांव का पूरा स्कूल में कैसा वातावरण है, घर में कैसा, विवाह के समय कैसा है, जब दो लड़के अकेले पुलिया के पास होते हैं तब वो कैसी बातें करते हैं और किस तरह से एक बात पूरे गांव में मजा ले लेकर कही और सुनाई जाती है। ये सारे वातावरण और दृश्य को बहुत सुंदर तरीके से ज्ञान चतुर्वेदी जी ने चित्रित किया है। प्रमुख पात्रों के बारे में बता दिया मैंने, उनका हल्का हल्का चरित्र चित्रण भी कर दिया है। इस उपन्यास का उद्देश्य जो है वो वही है कि इस देश में जब बहुत सारी योजनाएं केवल पन्नों पर हैं, यहाँ पर सरकार बदलते ही लोगों का जीवन कैसे बदल जाता है, किस तरह से थाना कचहरियों का दुरुपयोग होता है, किस तरह से जिन माँ बहनों के लिए बहुत ज्यादा हम इज्जत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी बातों को नहीं नकारते, उन्हीं माँ बहनों के नाम की गालियां धड़ल्ले से दी जाती हैं और किस तरह से अपनी माँ की तो इज्जत की जाती है, बहन की तो इज्जत हम चाहते हैं लेकिन अपनी जो पत्नी है उसको किस तरह से हम दुर्गति होती है। चारों भाइयों की जो पत्नियों की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, ना बिन्नों की अच्छी स्थिति नहीं है। तो ये जो साहित्य समाज का दर्पण है और लगभग 90 के दशक में जो जिस तरह की ग्रामीण व्यवस्था थी, जिस तरह की बेरोजगारी थी, जनसंख्या एक बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने विकराल रूप में खड़ी थी, नारी शिक्षा बहुत न्यून थी, शिक्षा का कारण केवल डिग्री हासिल करना और नौकरी प्राप्त करना था, ज्ञान अर्जन नहीं था, रोजगार के लिए कोई बहुत नए विचार नहीं थे, तब सड़कें, बिजली, पानी जैसी आधारभूत सुविधाएं भी नहीं थी। और आज भी स्थिति बहुत उलट नहीं है, अगर मैं कहूं कि तब 70% यही स्थिति थी तो आज भी हम मान सकते हैं कि 50% गांव में यही स्थिति हमको दिखाई। इस तरह से इसका जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं हमें मनोरंजक तरीके से, व्यंगात्मक तरीके से हंसाते हुए, एक कथा सुनाते हुए, एक किस्सा गोई की तरह बताकर भी हमारी आंखें खोलना और एक दृश्य हमारे आंखों के सामने उपस्थित करना कि जिस स्वर्णिम भारत का हम स्वप्न देख रहे हैं, उस स्वर्णिम भारत में जहां हम गांवों को फिल्मों में इतना खूबसूरत दिखाते हैं, वहां असली गांव में व्यवस्थाएं कितनी खराब हैं, असली गांवों में लोगों की जिंदगियों का क्या हाल है, क्या आलम है, ये बताना ज्ञान चतुर्वेदी जी का मुख्य उद्देश्य रहा होगा। मैं आप सबको जरूर कहूंगी कि इस उपन्यास को पढ़िए और अन्य उपन्यास भी इनके अगर आपको मिलते हैं तो उन्हें पढ़िए। और अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।